दोस्तों आओ दिन बनाए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो एक और वीडियो बनाकर दरअसल, तो उसके बाद रास्ते में नज़र पड़ी अम्मा पर, और अम्मा ने जो पटरी पे सामान रखा है इसे देखकर मेरी आँख भराई, दिल भराया। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि अब थोड़ी सी भिंडी है, अब एक एक पाव आधा आधा किलो सब्जी इन्होंने रखी है कई तरह की, तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। और क्या मजबूरी है, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है? पार्वती। पार्वती, तो कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल की। कितनी? 80। 80 साल की। तो आप ये सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन आपने बहुत थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी है। इतने इतने रखूं मैं। इतने रखते रोजाना? इससे थोड़ी और बलत हो जाता है। इसमें तो मान लो कि अगर कोई बैंगन लेना चाहे या ये शिमला मिर्च लेना चाहे तो एक परिवार का भी नहीं बन पाए। भिंडी तो आपने एक पाव भी नहीं रखी। रखते ही रखे मैं। इतनी रखते हो? पैसे नहीं है ज्यादा के लिए? तो ऐसी क्या मजबूरी है कि 80 साल में आप ये एक कोने पे गंदगी के बीच, ये देखो पीछे गन्ने की दुकान है और सर पे देखो कितने मच्छर हैं। इन जी गरीब आदमी रहा किराए से, इधर के हम है ना है। कहाँ के रहने वाले? महोबा। महुआ? महोबा। महोबा यूपी। तो यहाँ कौन कौन रहता है? सब परिवार रह रहे। सब परिवार। तो बेटे बेटा क्या करता है? काका काम करता है, दारू पीता। अच्छा, काम करता है, दारू पी जाता है ना? कोई खर्चा देता अपना पेट तो पालेंगे। बताओ, दवाई है दारू है, कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाता, अपना कल लगा लेती। कितने बेटे हैं? एक ही। अच्छा, एक ही है। हाँ। सारी दारू पी जाता है? पोता पोती भी हैं? सबको ही है। मैं तो 6 बंदे हैं घर में। अच्छा, 6 बंदे किराए मकान का है। अच्छा, मकान किराए पे है। तो आप कितना कमा लेते हैं अब इतने की सब्जी में? अब ये 100-150 रुपए मिल जाएंगे, उतने बहुत है। अच्छा। हाँ। तो इतनी सब्जी में कोई कैसे खरीदेगा? जैसे ये आप मान लो कि ये कोई नहीं आएगा। ये कद्दू है मान लो, ये तो 1 किलो भी नहीं है, तो करूँ? अच्छा, कोई ना कोई मतलब दया करके भले ले जाए। ले जाते, मैं बीन बीन के लाऊं से बेचूं। बीन बीन के कैसे, खरीद के नहीं लाते ना? तो कहाँ से बीन के लाते हो? मंडी से। अच्छा, मंडी में जो दाएं बाएं गिर जाता है या ऐसे ऐसे करके एक कोई रोकता नहीं है क्या? कोई नहीं रोके, रखा है सामान, गिर गया तो उठा लेते हैं। अच्छा, तो अम्मा की मजबूरी देखिए कि आप ये सब्जियां इन्होंने इकट्ठा की हैं, खरीदी नहीं है। खरीदने का जुगाड़ नहीं हो पाता है क्या? खरीदने का जुगाड़ नहीं हो पाता? अब मैं कहाँ रखूँ, ज्यादा लूँ था, कोई गाय खा जावे, कोई चुरा ले जावे, कहाँ रखूँ मैं? तो मैं थोड़ा थोड़ा जाऊँ। उठा के लाने में भी दिक्कत होती होगी कि ज्यादा आप ला भी नहीं सकते। तो जो महीने में कितना कमा लेते हो? जैसे रोजाना 100-200, महीने में 3-4 हजार बस। तो अपने पास रखते हो या फिर बच्चों को देते हो पढ़ाई वढ़ाई के लिए? पढ़ाई वढ़ाई का दे दूँ कुछ, अपने पास रखूँ। तो बच्चों की पढ़ाई आपसे चलती है? बेटा कुछ नहीं देता घर पे? कहाँ देगा, जब पीता है बता जा, कमाता नहीं है ढंग से। बेटा क्या करता है वैसे? पुताई का काम, बानस का। अच्छा, पुताई करता है। सारी सारे की पी जाता दारू? कभी कह जाता है, कभी घर में पा रहता है ना करता है। अच्छा, कभी काम पे जाता है, कभी घर नहीं जाता। और आप डेली बेचते हो? मेरी कोठियन में काम करे, क्या करे? अब तो मत, अब बहू है, 3 बच्चे हैं, तो कुछ तो मदद करना पड़ेगी। मतलब सास बहू मिलके काम करते हैं? तो आप साफ सुथरी जगह पे भी तो लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मच्छर भी है, बदबू भी आ रही है बहुत। क्या करूँ था, मैं बैठी हूँ, मैं तो बराम भरोसे। पति हैं? 40 साल इंद्रवाद के साथ खत्म हुआ था। 40 साल हो गए? हाँ। न कोई एंसन, न पेंशन, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये भी सो कभी आता होगा ख्याल कि इस उम्र में जब आराम करना चाहिए, काम करना पड़ता है? काम भैया कोई चोरी नहीं है, हम तो करेंगे, आराम ना चाहिए मुझे। अच्छा। हाँ। मैं तो अपना करूँगी, जब तक जीऊँगी जब तक करूँगी। तो ये सारी सब्जी कितने की है आपकी? का पता कितने की, जितने की भैया का 20 kg बैगन है, हो जाएंगे 50-100 खाड़ के। 100 खान के हो जाएंगे। 100 रुपए की? हाँ। तो क्या कर रहे तो हम आओ जो बताओ। अच्छा,
अच्छा हम ये आपकी सारी सब्जी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे इनका? चलो आपके बच्चे हैं हम, कोई बात नहीं, आपका वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। काय को भेज, काय खिलाने? सुन तो लो मेरी बात, वीडियो में आप हमारी मेहमान हैं आज के लिए, ठीक है। उस मेहमान के नाते ये आपकी फीस दे रहे हैं हम लोग, ये 1000 रुपए आप रख लो। ना भाई अम्मा ना चाहिए। मेहमान है ना आप हमारी, क्या हो गया फिर? मेहमान है, कोई ऐसे वो नहीं कर रहे। हम आपकी वीडियो बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे डालेंगे तो कहाँ में? यूट्यूब पे, हाँ टीवी में। तो ये फीस है आपकी, उसकी फीस है, आप 1000 रुपए रखो, कोई बात नहीं, आप ये रखो, ये आपकी फीस है उसकी वीडियो की, कोई बात नहीं। जैसे अम्मा बदबू बहुत आ रही है यहाँ, मत लगाया करो, आप थोड़ा दाएं बाएं लगा लिया करो। मैं तो नहीं लगाती रही, मच्छर खा जाएंगे आपको बुढ़ापे में, बताओ भैया। भगवान सुनते तो ना है, हम तो आप बैठे जाएगा। अच्छा सुने तो ऊपर वालो क्या करे, परेशानी तो हटे। तो बेटे को समझाते नहीं आप, दारू वारू कम पिया करो। क्या समझाए भाई बताओ, जब मानते ही नहीं है तो क्या करो जाओ उसको। अब छोटो हो बच्चा हो तो उसको माल लगाए हैं, अब बताओ 4-5 बच्चा को बाप है वो, उसका क्या करूँ, वो मोई का मार चले। तो दोस्तों ये जो नशा होता है ना, ये कई परिवारों को बर्बाद कर देता है। तो महिलाओं की मजबूरी देखिए कि पार्वती अम्मा 80 साल की उम्र में ये सब्जियां बिन के यहाँ पर एक पटरी लगाती है कि कोई खरीदेगा, किसी की नज़र पड़ेगी तो अम्मा से कुछ खरीद ले जाएगा। इनकी बहू है वो कोठियों में काम करती हैं, तो महिलाएं संघर्ष करके अपना परिवार चला रही हैं। जो बेटा दारू पी जाता है तो ये है महिलाओं का संघर्ष। अम्मा अब आप यहाँ से उठ जाओ प्लीज़, आज आप घर जाओ। मच्छर है, देखो देखो सर पे मच्छर मंडरा रहे। पैसा कहाँ खर्चा रहे मोए? ये कौन है, ये कौन है ये? अभी ऐसी बाजार में सब कोई अपने ही है, ये नारियल पानी वाला है। अब आपकी, आपने कहा 100 रुपया आप रोजाना कमा लेती है, आप 10 दिन की कमाई होगी आपकी, तो क्या अपने लिए क्या खरीदेंगे? मैं क्या खा दूंगी बताओ, लहसुन पानी खा लूंगी। तो भगवान आजादी उम्र हो माल है, 1000 रुपए से आप ज्यादा सब्जी खरीद के भी बेच सकते हैं वैसे। अब रखूं कहां, ये तो रखूं तो गाय खा जाए। से पटरी पे लगाते हैं, आप थोड़ा साफ सुथरी जगह पे लगाओ। यहाँ पीछे पेशाब की बदबू आ रही है यहाँ से, यहाँ कोई पेशाब ना करता। तो किस चीज की आ रही है बदबू? ये बदबू जे गन्ना की। अच्छा गन्ना की आ रही है। पोता पोती कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में पढ़ रही है। 12वीं में पोती, कितने बच्चे? 4 बच्चे 3 है, एक पोता है, एक पोती है, 2 पोती है। अच्छा 2 पोतियाँ हैं। पोता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10 10। तो पोता पोती को कितने पैसे देते हो आप जो कमाते हो उसमें से? अजय तुम मिल जाए मैं तो दे दूँ। अच्छा अभी 13,000 जाने कंप्यूटर सीखे जाने का 13,000 रुपया दीजिए। आप इतनी कड़क हो, बेटे को डांट नहीं लगाती क्या? फिर तो वही बात कर रहे भैया, आज कल मारे इतने हुआ तो उसको मारे कूटे हैं, खाने को ना दें। और जवान बच्चे वाला है, अब उसको कहाँ कहाँ वही मुझे मार चले तो। अच्छा और क्या, अरे देखो दारी वाले कोई उनके मुंह में टट्टा बना ना हो, का कहे हैं का कह जाए, अपनी इज्जत अपने हाथ में रहती है। कोई भी हो भाई ना दो, हम तो अपने कमाए खा लेंगे। मतलब बेटे को सुना देती हूँ आपकी, मैं अपने आप कमा के खा लूंगी। तो अम्मा की हिम्मत है कि 80 साल की उम्र में जब लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों को आराम की आवश्यकता होती है, अम्मा कहती है कि बेटा चूंकि शराब पीता है। और दोस्तों ये महिलाओं के संघर्ष को दिखाता है कि 80 साल की अम्मा सब्जियां बेचने को मजबूर है, पत्नी कोठियों में काम करती है और बेटा दारू में सारा पैसा उड़ा देता है। तो ऐसे बेटों को भी सोचना चाहिए कि परिवार अगर बनाया है तो उसको कमाने की खिलाने की भी जिम्मेदारी सबकी होती है, और ये जो नशा है इस तरह ही परिवारों को बर्बाद करता है। तो अम्मा ने जितनी मदद स्वीकार की उतनी हमने की है। आप रोज़ाना ऐसे वीडियो देखते रहो दोस्तों, किसी न किसी का दिन तो नहीं बनाया आज हमने अम्मा का,
क्योंकि 80 साल की उम्र में अगर सब्जियां बेच रही हैं तो हम क्या ही दिन बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा किसी के चेहरे पर स्माइल ला सके। आप सिर्फ रोज़ाना वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पे बैठना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, देखिए मच्छर। तो दे सोचिए कि अम्मा जो है किन हालात में यहाँ पर बैठकर सब्जियाँ बेच रहे हैं 80 साल की उम्र में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।